हमारे सामने देख पा रहे होंगे टोल टैक्स प्लाजा खड़ी हो चुकी है, बस इसमें जो है सेटअप लगना बाकी है और बहुत जल्द ये टोल प्लाजा भी आप तो चाचा जी ये जो साफ सफाई करवा रहे हैं कोई विशेष है क्या आज? हाँ विजिट आने वाला है। कौन आने वाला है? विजिट होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी मौजूदगी है अभी 83 NS पर हाईवे जो की डोबी गया पटना रोड बन रही है उस पर। आपको मैं बता दूं गया डोबी से लगभग 17 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद यहाँ पर टोल टैक्स टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको देने आए हैं। अब इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी देते हुए चलेंगे कि इस हाईवे में कितना कार्य हुआ है। मैं बता दूं कि बहुत अद्भुत कार्य हुआ है और बहुत खूबसूरत आपको आगे वीडियो लगने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। आप हमारे सामने देख पा रहे हो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए अधीक्षक DM और SP का यहाँ पे मौजूदगी आज से 2 दिन पहले हुआ है और यहाँ पे निरीक्षण करके यहाँ पे से चले गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कार्य जो है करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अभी बहुत कार्य बाकी है लेकिन बहुत जल्द ये कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये जितनी बसें हैं और ट्रक जो आ रही है ये गया तरफ से आ रही है, पटना तरफ से आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर जो है रोड जो है डोबी चल जाती है जीटी रोड पर चली जाती है डोबी। और ये जो है हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं तो दुमहान होते हुए गया टाउन में चले जाएंगे, या दुमहान से अगर हम लोग बाएं कर जाते हैं तो पटना रोड जो नया 83 NS बाईपास बनाया जा रहा है उससे हम लोग उधर चल निकल जाएंगे। तो चलिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और ये इधर कार्य जो है सफल हो चुका है और इधर जो है थोड़ी कार्य बाकी है जो कि अभी किया जा रहा है। आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे टोल टैक्स प्लाजा खड़ी हो चुकी है, बस इसमें जो है सेटअप लगना बाकी है और बहुत जल्द ये टोल प्लाजा भी आपको चालू हो जाएगा। तो पैसे अब लगेंगे, कुछ दिन के बाद यहाँ पर आप क्रॉस कीजिएगा तो टोल प्लाजा आपको देना पड़ेगा। तो हमारे सामने देख पा रहे होंगे काफी चौड़ाई है इसकी और ये ग्रीन पर्दा भी लगा दिया गया है। जहाँ तक काम हो चुका है उसको साफ सफाई भी किया जा रहा है। आप देख हमारे पीछे देख पा रहे होंगे किसी तरह का साफ सफाई में लगे हुए हैं और टोल प्लाजा जो है बहुत जल्द ये बंद कर तैयार हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आपको हो सके तो चार्ज लगना शुरू हो जाएंगे। तो अभी बेनिफिट आपको जो है देखना किस प्रकार से साफ सफाई में लोग मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाचा लोग भी मेहनत कर रहे हैं और जितने भी हैं यहाँ पे जितने भी धूल गर्दा हैं सारा कुछ जो है उठा कर फेंक रहे हैं। तो चाचा जी ये जो साफ सफाई करवा रहे हैं कोई विशेष है क्या आज? हाँ विजिट आने वाला है। कौन आने वाला है? विजिट होने वाले हैं। ऐसे दो दिन जो रोड का जो मेन जो है विजिट आने वाला है, मेन जो इसका चार्ज लिया हुआ है वो आने वाला है। ऐसे DM लोग भी पहुंचे थे क्या? उसको नहीं मालूम है सर। आप कब से आए यहाँ? यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं सर। दो साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से, लेकिन 2 दिन पहले सुनने में आया DM SP लोग भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। हाँ सर, निरीक्षण करने के लिए DM SP भी पहुँचे हुए थे। तो हम देखे नहीं सर, तो आते तो है रोड सर, आते जाते हैं बराबर, आते हैं देखते भी है कि हाँ क्या नहीं हो रहा है देखते हैं। अच्छा, आज कोई खास लोग आने वाले हैं इसके कारण ये साफ सफाई किया जा रहा है? हो रहा है, विजिट आने वाले हैं। अच्छा हाँ, मेन रोड का जो साहब हैं इंचार्ज वो आने वाला है, इसलिए सर सफाई हो रहा है। तो नाम नहीं पता है? नाम तो नहीं जानते हैं सर। अच्छा, ये कब तक कंप्लीट होने की संभावना इसको है? ये तो हमको नहीं मालूम है सर। अच्छा, तो दोस्तों इससे पहले मैंने अपडेट दिया था आपको, आप देखे होंगे तो बहुत कुछ काम नहीं हुआ था, अब ये काफी काम हो चुके हैं। ऐसे निरीक्षण करने के लिए कोई ना कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि इसको काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ये जो है रोड भी तैयार हो जाएगा 83 NH और आप इस पे बहुत अच्छे से सफर कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे टोल प्लाजा जो बन रही है ये काफी जल्द भी आपको तैयार होने वाला है। चलिए हम आपको आगे भी ले चलेंगे।
बदला हुआ गया आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे काम बहुत अच्छे से की जा रही है और 83 NH दिख रहे हैं। यहाँ पर जो ओवरब्रिज बना था ये कंप्लीट हो चुका है, जो कि यूनिवर्सिटी के पास था ओवरब्रिज, और साइड से लिंक रोड भी दिया गया है जो कि नीचे के लोग उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और जो एरेक्ट पे चलने वाले लोग होंगे वो इनके लिए अलग से रोड जो है बनाया गया। आप देख पा रहे होंगे यही 83 NH है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये ओवरब्रिज पर हम लोग चढ़ रहे हैं और बगल में IIM जो है कॉलेज जो बना है जिसका अपडेट आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले भी दिया है, और ये कॉलेज जो है अब चालू हो चुका है। तो बहुत अद्भुत इस रोड को बनाया गया है और बहुत खूबसूरत अब लगने वाला है ये गया सिटी का ये रोड भी आप देख पा रहे होंगे। IIM बोध गया तो ओवर ब्रिज पे है हम लोग चले हुए, और जस्ट यहाँ बगल में जो टोल प्लाजा पड़ रहा है उसके बगल में IIM बोध गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी उसी के बगल में बनाया गया है, सॉरी मगल यूनिवर्सिटी के बगल में आई आई बोध गया बनाया गया है। और इधर आप देख पा रहे होंगे जिनके नीचे के यात्री हैं उनके लिए नीचे का लिंक रोड दिया गया, और ये देख पा रहे हम लोग धुमान के तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं IHM बोध गया, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। आगे का अपडेट हम पूरा देते रहेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर। आप देख पा रहे होंगे मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी, ये आप देख पा रहे होंगे